चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें कक्षित ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण उतरने की नियंत्रित प्रक्रिया में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र परियोजना को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार्क श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों मिट्टी पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। उपग्रह को LVM-3 रॉकेट पर 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 बजे भारतीय मानक समय पर 170 किमी 106 मील की EPO और 36,500 किमी 22,680 मील का अपभू अपोजी पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद ऑन बोर्ड LEM लिक्विड अपोजी मोटर और रासायनिक प्रक्षेपकों थ्रस्टर्स का उपयोग करके उपग्रह को ट्रांस लूनर इंजेक्शन चंद्रमा की ओर जाने वाला रास्ता कक्षा में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया। चंद्रयान-1 इस श्रृंखला का पहला अंतरिक्ष यान, चंद्रयान-2 ठीक पूर्ववर्ती मिशन, लूना 25.5 दशक बाद चांद पर भेजा गया रूसी लैंडर, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स इसरो और जापानी एजेंसी जैक्सा का संयुक्त अभियान, भारतीय चंद्रयान अभियान।